अयोध्या भारत की जनवादी नौजवान सभा के प्रांतीय आह्वान पर आगरा में दलित छात्रा की हत्या व सुल्तानपुर में मासूमों की हत्या के दोषियों को कठोर सजा दिलाने की आदि मांगों के संदर्भ में जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से राज्यपाल को 5 सूत्रीय मांग पर सौंपा गया। इनकी मुख्य मांगे पूरे प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके हत्या बलात्कार डकैती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए एवं फैजाबाद में एक ही दिन में 13 हत्याकांड का खुलासा करके दोषियों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित कराई जाए। आज ज्ञापन सौंपने वालों में सत्यभान सिंह, धीरज द्विवेदी, अखंड प्रताप यादव के साथ दर्जनों जनवादी नेता व कार्यकर्ता शामिल है। उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रह गया है, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं। अभी मासूम की हत्या कर दी गई कटका सुल्तानपुर में, गोसाईगंज फैजाबाद में, अयोध्या में दो डबल मर्डर हुआ। फैजाबाद के शहर में यहाँ क्या कहते हैं दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है। लाइन ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं है, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, किसी भी घटनाओं पर कोई रोक नहीं है। इसी के लिए हम लोग आज आंदोलित हैं और ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि लाइन ऑर्डर मेंटेन हो, अपराध की जो घटनाएँ हो रही हैं इसमें कमी आए, इसको रोका जाए और लाइन ऑर्डर मेंटेन किया जाए। क्या नाम है? अखंड प्रताप यादव, एडवोकेट। फैजाबाद जनपद के फैजाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सदर तहसील तिगुनिया पार्क में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप राजभर के नेतृत्व में जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री को 1 सूत्रीय मांग पर सौंपा गया। इनकी मुख्य मांगे अति पिछड़ा सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल कैबिनेट से स्वीकृत कर लागू किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में तुलाराम, रामकिशोर, संजीव यादव, दाताराम, चंद्र प्रकाश के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शामिल है। आज 24 दिसंबर सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सामाजिक न्याय समिति को लागू कराने के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने जा रही है और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना है कि तत्काल सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का प्रस्ताव ला करके तत्काल कैबिनेट में पास कराएँ और उसको जिले में शासनादेश जारी करवाएं। और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में 27% कैटेगरी में 3 प्रकार का विभाजन हो, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग, उसी प्रकार से 21% में दलित और अति दलित और सर्वाधिक दलित 3 कैटेगरी बननी चाहिए। सुहेल भारतीय समाज पार्टी जो आपकी तैयार हुई है, क्या ये चुनाव मैदान में उतरेगी? जी बिल्कुल उतरेगी। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, लेकिन अभी हाल ही में निकाय चुनाव में हम लोगों को ये लोग वजूद नहीं समझते थे, लेकिन जिस तरह से यह पार्टी कम समय में प्रदर्शन की है और उस तरह से, और अगर लोकसभा में चुनाव गठबंधन में हम लोग को सीट सम्मानजनक नहीं देते हैं, तो सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में अपने दम के साथ 80 लोकसभा सीट चुनाव मैदान में उतरेगी। क्या नाम आपका है? मैं जिलाध्यक्ष सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी, प्रदीप।